अलीगढ़ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले एक रेस्टोरेंट में आज प्रेस वार्ता का आयोजन जिलाध्यक्ष भूपेंद्र वार्षेण की अगुवाई में किया गया। जिलाध्यक्ष भूपेंद्र वार्षेण ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है, किंतु कुछ कर्मचारी इसमें पलीता लगाकर सरकार की छवि को धूमिल करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भूपेंद्र वार्षेण ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए व्यापारी नेता स्वर्गीय ज्ञानचंद वार्षेण की 10-10 बाइकर्स के उड़न दस्ते का गठन किया जाएगा। उड़न दस्ते की सभी बाइक व्यापार मंडल के लोगों और हूटर से युक्त होगी, जो किसी भी व्यापारी की तकलीफ में होने पर शीघ्र सहायता उपलब्ध कराएंगी। जिला महामंत्री ठाकुर राजीव सिंह, महामंत्री विशाल भगत, सर्वेश चंद्र वार्षेण ने संयुक्त रूप से कहा कि व्यापारी उत्पीड़न रोकने के लिए व्यापार मंडल कृत संकल्पित है और सर्वे चेकिंग का विरोध करता है। तो यही पहले से क्या हमारा व्यापार मंडल है, सभी जिलों में हमारे व्यापार मंडल की शाखा है। सबसे पुराना अस्तित्व जो है हमारे व्यापार मंडल का है, किसी का नहीं है। सभी 80 जिलों में हमारी शाखा है। पंडित श्याम बिहारी मिश्रा इसके संस्थापक थे, उनकी मृत्यु के बाद अब पंडित मिश्रा जी इसको चला रहे हैं। ध्यानचंद जी की मृत्यु उपरांत कुछ अलीगढ़ में व्यापार मंडल की गतिविधि में कमी आई है, लेकिन जो भी गतिविधि हो रही है वो हमारे द्वारा की जा रही है और उससे ये है कि व्यापारी हमसे जुड़ा हुआ है। इस अवसर पे आपने क्या लॉन्च किया है? हमने आज एक सरकार की, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार को, उसको आगे बढ़ाते हुए क्योंकि व्यापार मंडल को सूचनाएं मिल रही है व्यापारियों का उत्पीड़न के कारण। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।